वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना यानी कि एम्स पटना में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वेबसाइट गिवन है aimspatna.edu.in पे जाके आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, डेटेड 26 अप्रैल। तो इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एम्स पटना में वैकेंसी फिलिंग होनी है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देख सकते हैं। हमारे जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारी है रेडियोग्राफर, तो हम उस पे चलते हैं रेडियोग्राफर की वैकेंसीज पे। का सीरियल नंबर है वो है हमारा 34। पोस्ट का नाम है हमारा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 11 6 का। इसमें पे मैट्रिक्स है यानी कि बेसिक है 35,400 से अबव। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट के पास, स्टूडेंट के पास डिप्लोमा है रेडियोग्राफी में, तो उसका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी होगा। अब इसमें डिज़ायर्ड जो है कंप्यूटर में जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो उसको चलानी आनी चाहिए, यह इसमें और रिक्वायरमेंट है। ग्रुप बी के अंदर है ये बेसिकली। एज लिमिट है हमारी 21 से 35 ईयर ऑफ एज है। टोटल इसमें वैकेंसी है 15। CBT के माध्यम से सिलेक्शन होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जनरल की 7 वैकेंसी है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, SC की 2 और ST की 1 है। तो टोटल हमारी 15 वैकेंसी है, वेरी गुड चांस टू गेट दी जॉब। तो इसमें हमारा बेसिकली पे मैट्रिक्स अच्छा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर 74 पे इसमें लैब अटेंडर की भी वैकेंसी है, जिसमें लेवल 2 का पे ग्रेड दिया जाएगा यानी कि 1900 ग्रेड पे, 10+2 विद साइंस होनी चाहिए और डिप्लोमा होने चाहिए MLT में यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस 2 साल का इसमें मैंडेटरी है क्योंकि डिप्लोमा इसमें क्वालिफिकेशन है। टोटल हमारी है 10 वैकेंसी। जनरल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आप एम्स की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, www.aimspatna.edu.in पे, कोर्स क्लोजिंग डेट से पहले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज भी है, वो हमारा जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उससे पहले की होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि एक्सपीरियंस आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले 2 साल कंप्लीट होने चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके होनी चाहिए, यानी कि रिजल्ट अवेटेड भी इसमें नहीं चलेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30 डेज जो पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के, उससे पहले आपको फिल करना है। जो भी उसमें अपलोडिंग के लिए जो इमेज है और फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपको जो इमेजेस है उसको फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और सब बाकी सब कैंडिडेट के लिए 3,000 फीस है। SC ST और EWS के लिए 2,400 है और PWBD के लिए एग्जम्प्टेड है। और कैंडिडेट इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफंडेड नहीं है, रिफंडेबल नहीं है कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एज उससे काउंट होगी, और जो जनरली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होता है वही इसमें है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, और PWBD के लिए 10 साल का है, जिसमें बेसिकली मैक्सिमम होता है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं ग्रुप ए एंड बी, उसमें भी अलग अलग रिलैक्सेशन इसमें गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी इसमें जो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं अवेलेबल करा दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें जो फाइनेंशियल ईयर गिवन है,
तो जो हमारे कुछ ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कुछ सर्टिफिकेट होते हैं उसमें फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च तक के लिए होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर का आपके पास जो है सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। ओबीसी में इसमें ओबीसी एनसीएल मांगा जाता है बेसिकली, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हैं। डेट ऑफ जो ऑनलाइन वो है वो आपको इंटीमेट कर दी जाएगी वेबसाइट पे या बेसिकली ईमेल के माध्यम से। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है सीबीटी टेस्ट में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, 50% जनरल को लाना अनिवार्य है, 45% ओबीसी के लिए और 40% SC ST के लिए। बाकी इधर है बेसिकली उसके लिए 45% है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, या तो आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा एम्स की साइट पे जाके, aimspatna.edu.in पे जाके। अब वेरिफिकेशन की बात करें तो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है उसको आपके पास कॉपी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें बेसिकली आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आती है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब है, ये आप देख सकते हैं। और जो एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट के, उनको NOC सबमिट करनी होगी, जो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा आपको, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो हमारा बेसिकली ओनली एक्वायर्ड ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, यानी कि कई जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि स्टडी के दौरान उनको एक्सपीरियंस गेन किया होता है, बट इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए, इसके अलावा उसका जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं डिटेल में। आप जो इसका जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। और कोई भी क्लैरिफिकेशन करनी हो, क्वेरी हो, इसमें मेंशन है ईमेल आईडी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं recruitment2023@aimspatna.org पे जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा था एम्स पटना में आई हुई वैकेंसी के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।